नमस्कार, मैं समृति पटनागर वॉक द टॉक इंडिया में आपका स्वागत करती हूँ। लोग सही कहते हैं कि अपनी कमजोरियों को इतना छोटा कर दो कि हौसले खुद ब खुद बड़े हो जाएं। यही किया 2014 यूपीएससी की टॉपर इरा सिंघल ने। तमाम कमियों के बावजूद उन्होंने संघर्ष भी किया और जीत भी हासिल करी। आज वो एक सफलता भरी जिंदगी जी रही हैं। आइए मिलते हैं इरा सिंघल से और जानते हैं उनके जीवन के बारे में। इरा जी, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपका बचपन कैसे गुजरा था? बचपन में बहुत अप्स एंड डाउन्स थे हर तरीके के, बट मेरे ख्याल से मुझे एक चीज़ लगती है कि अगर बचपन में आप बहुत प्रॉब्लम्स देख लो तो बड़े होके प्रॉब्लम्स आपको प्रॉब्लम्स नहीं लगती। बिल्कुल। एंड बड़े होके आप थोड़ा बैलेंस्ड हो जाते हो, थोड़ा प्रैक्टिकल सोचने लगते हो, एंड बचपन में अगर आप प्रॉब्लम से बाहर भी निकल जाओ तो आप पॉजिटिव होना ज़्यादा आसान हो जाता है। और एज एन इंडिविजुअल चाइल्ड मैं बहुत ही शरीफ बच्चा थी। अच्छा। हाँ, एंड हमारे घर में बदमाश बच्चों की तो बिल्कुल ही मतलब सहा ही नहीं जा सकता था, तो मैं बहुत शरीफ बच्चा थी। डिसिप्लिन्ड चाइल्ड। हाँ हाँ, टीचर्स आल्सो लाइक मी। अड़ोसी पड़ोसी भी वांटेड कि मैं हमारे बच्चों को अपने जैसा बना दे। अच्छा। हाँ, तो मैं बहुत शरीफ टाइप से बच्चा थी, बट हमारे फैमिली में तो काफ़ी इश्यूज थे, काफ़ी प्रॉब्लम्स थी। बट हाँ। एंड हाउ अबाउट बुलिंग? बुलिंग की बात करें तो स्कूल में या कॉलेज में कभी फील हुआ बुलिंग हुई? बुलिंग बिल्कुल भी नहीं। मैं एक चीज़ और बताऊँ, बुलिंग में ना कई बार ये भी फ़र्क पड़ता है कि आपको वो जो बुली करेगा उसके पास कोई आप बुली तभी कोई कर सकता है जब आप बुली हो। अगर आप अपने आप को एज नेगेटिव देखते रहो, आप देखते रहो कि आप में कोई कमी है, आप देखो कि कोई आपको चिढ़ाए अगर किसी चीज़ पर, आप बुरा मानो तो ही तो वो चिढ़ाएगा ना। बिल्कुल। किसी चीज़ पर आप बुरा ही नहीं मानोगे तो कोई चिढ़ाएगा कैसे? तो आई थिंक दैट वॉज वन ऑफ द थिंग्स कि मैं तो कभी किसी चीज़ पर बुरा माना नहीं और सिखाया भी नहीं गया कि तुम्हारे ये कोई गलत चीज़ है। आई थिंक घर वालों का पूरा सपोर्ट था। यस, एब्सोल्युटली। मैं तो जॉइंट फैमिली में रहती थी, तो जॉइंट फैमिली में मेरे पूरी फैमिली का बहुत सपोर्ट था। एंड आई विल बी ऑनेस्ट, मैं जरा सब चीज़ों में अच्छी थी। तो ऑलराउंडर। हाँ, तो इस वजह से ना आपको कोई किस बात पे चिढ़ाएगा? आप परफॉर्मेंस में तो कमज़ोर थे नहीं। सो आई थिंक बुलिंग उस सेंस में कभी, मेंटली भी मुझे लगता है आपने अपने आपको स्ट्रेंथन कर लिया था। नहीं, मोर देन दैट, आपको तभी चिढ़ा सकता है कोई जब आप चिढ़ो। बिल्कुल। जब आप चिढ़ोगे ही नहीं किसी चीज़ पे तो कोई चिढ़ाएगा कैसे? बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आप ये मानोगे कि हाँ ये खराबी है एंड यू कीप फीलिंग अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ, तभी कोई आपको अशेम करा सकता है। सो दैट डिडंट हैपन। और इरा जी, मैंने आप में एक चीज़ देखी कि आप एक स्पेशली चैलेंज्ड गर्ल हैं और आप उसको बड़ी कॉन्फिडेंटली एक्सेप्ट करती हैं। लोग छुपाते हैं, आप बताती हैं कि देखिए उसके बाद भी, क्योंकि आप इतना एग्जांपल हैं, सिर्फ नेशनली इंटरनेशनली भी लोग आपको बहुत फॉलो करते हैं। तो ये जो कॉन्फिडेंस लेवल है, ये आया कहाँ से? सो दैट इज़ द वन थिंग दैट आई थिंक एवरीबडी शुड हैव इन देयर लाइव्स। आप अगर नेगेटिव्स पे फोकस करते रहोगे, क्या कमी है क्या नहीं कर सकते वो देखते रहोगे, तो फिर नेगेटिव ही रहोगे। बिल्कुल। कॉन्फिडेंस के लिए आपको ये तो ढूंढना पड़ेगा मेरे में अच्छा क्या है। आप वो देखो कि आप में क्या अच्छा है, आप उस पर फोकस करो, आप वो याद करो कि दिस इज़ व्हाट आई एम गुड एट एंड यू नो वर्क टुवर्ड्स दैट। उस पर अगर आप मेहनत करते रहोगे तो ऑब्वियसली आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे। देखिए, मैं अगर एक बहुत अच्छा म्यूजिशियन हूँ तो मुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, पर मैं अगर यही सोचते रहूँ कि मैं बहुत बुरा हूँ पढ़ाई में, तो आप अंडर कॉन्फिडेंट रहोगे। दोनों चीज़ें एक ही इंसान में होंगी। बिल्कुल। पर आप किस चीज़ को सोच रहे हो वो आपको कॉन्फिडेंस या अंडर कॉन्फिडेंट बनाएगा। आई थिंक आपने MBA भी किया था एंड देन यू हैड गॉट अ ग्रेट जॉब MNC में, आपने बहुत अच्छी ब्रांडेड जॉब ली थी, यू वर अर्निंग रियली वेल। सो हाउ डिड इट क्लिक दैट यू हैव टू बी इनटू ब्यूरोक्रेसी? मुझे ना बचपन से बहुत ज़्यादा कुछ सोशल करने का वो था एंड आई वांटेड कि मेरा जॉब ऐसा हो कि इम्पैक्ट हो लोगों की लाइफ पे, किसी का कुछ अच्छा हो सके एंड लोग ये बोलें कि इसकी वजह से, इसके काम करने की वजह से हमारी लाइफ पे कुछ फ़र्क पड़ा, है ना, कुछ अच्छा हुआ हमारी ज़िंदगी में। सो मैं कॉर्पोरेट में एक पॉइंट पे 20-20 घंटे तक काम कर रही थी एंड आई रियलाइज कि आई एम जस्ट डूइंग दिस फॉर माई सेल्फ और यू नो अर्निंग मनी फॉर द कंपनी एंड सम पीपल, बट इट्स नॉट रियली मेकिंग एन इम्पैक्ट इन द लार्जर सेंस ऑफ द वर्ड। कि अगर मैंने 20 घंटे काम किया तो कोई ऐसा नहीं है जिसकी लाइफ पे कुछ अच्छा यू नो मैंने सॉल्व किया या किसी का लॉन्ग टर्म फ़र्क पड़ा। सो दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि नहीं, आई नीड टू गो एंड डू समथिंग व्हिच यू नो डील्स विद दैट।
मैं वैसे बचपन में डॉक्टर भी बनना चाहती थी, पापा ने डॉक्टर नहीं बनने दिया, तो यू नो सिविल सर्विसेज वाज द सेकंड थिंग. ओके. एंड मुझे स्पेसिफिकली इसमें वही वो चाहिए था जिसके जो जॉब डायरेक्ट पीपल के साथ इंटरेक्शन का. ओके, पब्लिक डीलिंग जिसमें जिस तरीके से हो. हां, नॉट पब्लिक डीलिंग इन द सेंस बट पब्लिक की प्रॉब्लम सॉल्व करने का. ओके. अच्छा, आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू वन मोर क्वेश्चन कि जैसे कि आपने 2010 11 और 12 आपने ट्राई किया एंड यू गॉट सिलेक्टेड फॉर IRS. सो एंड यू ऑलवेज टॉक अबाउट द काइंड ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज जो कहीं ना कहीं डिसहार्टन किया आपको, आपको कहीं ना कहीं आपके साथ डिफ्रेंशिएट किया गया, कहीं ना कहीं आपके साथ ह्यूमिलेशन हुआ विच यू फेल्ट इट, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगी? बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से आप जो है ना किसी भी जॉब के लिए आपकी एबिलिटी एंड डिसेबिलिटी दोनों मैच करनी चाहिए. और मेरे केस में मेरी एबिलिटीज़ तो मैच करती हैं पर मेरी डिसेबिलिटीज़ नहीं मैच करती हैं. तो मेरी डिसेबिलिटीज़ जो हैं उन्हें उनकी लिस्ट्स में जो हर जॉब के लिए आइडेंटिफाइड लिस्ट है उसमें नहीं फॉल करती सिवाय IAS के. तो इस वजह से मुझे 3 बार रिजेक्ट किया गया, 10, 11, 13, 12 में मैंने पेपर नहीं दिया था बिकॉज 12 तक मैं 2 बार रिजेक्ट हो गई थी. तो मैं सोच रही थी पहले इसी को सॉल्व करते हैं. नहीं, आई डोंट सी इट एज ह्यूमिलिएशन और एनीथिंग, आई सी इट सिंपली एज पीपल नॉट यू नो अंडरस्टैंडिंग व्हाट डिसेबिलिटी इज. अभी भी हमारे देश में और पूरे समाज में डिसेबिलिटी के लिए थोड़ी समझ कम है, लोगों का एटीट्यूड थोड़ा गलत है, लोग उसको एक नेगेटिव और यू नो नॉट एज अ पार्ट ऑफ अनदर पर्सन बट एज अ नेगेटिव और किसी को नीचा दिखाने के लिए या किसी को रिजेक्ट करने के लिए एक पैरामीटर की तरह यूज़ करते हैं. तो वो हुआ बट आई सी इट एज कि उनकी समझ कम है एंड आई थिंक हमें चेंज करना है एंड आई एम वर्किंग टुवर्ड्स गेटिंग दैट चेंज्ड. टाइम लगेगा क्योंकि बहुत सारे लोग इस पूरे डिसीजन में इन्वॉल्व हैं बट वील गेट इट चेंज एट सम पॉइंट. ओके, आप मुझे लगता है आप इस बात को मानती होंगी क्योंकि ये मैं भी बहुत मानती हूँ कि फिजिकल डिसेबिलिटी से ज़्यादा मेंटल डिसेबिलिटी मायने रखती है, मतलब लोगों की जो सोच है Absolutely. उसमें जो डिसेबिलिटी है. आई विल पुट इट लाइक कि डिसेबिलिटी तुम्हारी सोच में होती है. एग्जैक्टली. तुम्हारे शरीर में नहीं. बिल्कुल बिल्कुल. मतलब आप सुंदर होना, सीरत आपकी सुंदर होनी चाहिए, सूरत में क्या रखा है. आप इतने सारे युवाओं के लिए एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन है, आपने वो लोगों को इंस्पायर भी किया है, आप मोटिवेशनल स्पीचेस भी देती हैं, आपने एक ओहदा भी ले लिया है ऐसा जिसमें आप लोगों को सर्व कर सके. अभी इरा सिंगल क्या और करना चाहती हैं जो दुनिया के सामने अभी आया नहीं है सामने? ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एक दो ढूंढनी मुश्किल होंगी. बट हमारे करियर का एक सबसे अच्छा प्लस पॉइंट ये होता है कि कई बार आपने सोचा भी नहीं होता है ऐसी चीज़ आपको करने को मिल जाती है. तो दैट वे वी आर वेरी लकी, वी गेट टू वर्क ऑन ऑल सेक्टर्स. एक चीज़ जो मैंने भी रिसेंटली स्टार्ट करी एंड दिस वॉज नॉट समथिंग दैट आई वॉज प्लानिंग पहले से, मैंने अपने MCD के स्कूलों के अंदर 12 घंटे के क्रेश खोले हैं. ओके. एंड मैं इसका एक रीज़न बताती हूँ. आप सोचेंगे 12 घंटे का क्रेश तो क्या फ़र्क पड़ता है. एक्चुअली एक गरीब औरत के लिए आज की डेट में कोई जगह नहीं है जहाँ वो अपने बच्चे को छोड़ के जाए. बिल्कुल. उसे बच्चे को साथ लेके जाना पड़ता है, चाहे वो काम पे जाए चाहे वो कुछ भी करे. जिसका मतलब ये होता है कि अगर वो काम पे जाती है तो 8-9 साल का बच्चा उसका चाइल्ड लेबर बन जाता है. बिल्कुल. क्योंकि बच्चा स्कूल तो गया नहीं, माँ साथ लेके जा रही है और वो चाइल्ड लेबर बन जाएगा 8-9 साल का, वो बच्चा हमारी तरफ से लॉस हो गया. अच्छा, अगर वो छोड़ के जाती है क्योंकि काम पे आप सारा दिन नहीं ले जा सकते, वो बच्चा धीरे धीरे सब्सटेंस अब्यूज़ में जाता है, उस बच्चे के ऊपर क्राइम्स होते हैं एंड धीरे धीरे पोटेंशियल ऑफ दैट चाइल्ड टू बिकम अ क्रिमिनल बढ़ती जाती है. प्लस देर इज़ नो वन टेकिंग केयर ऑफ द एजुकेशन ऑफ द न्यूट्रिशन एंड ऑफ द मेडिकल नीड्स ऑफ दैट चाइल्ड. ओके. एंड होता क्या है कि एक बच्चा स्कूल के लायक है और एक गोदी का है, तो एक को क्रेश छोड़ना एक को स्कूल छोड़ना ये पॉसिबल नहीं है. बिल्कुल. एक बच्चा अगर 3.5 साल का 4 साल का स्कूल चला गया वो बड़ा थोड़ी हो गया. एंड स्कूल के 12 बजे 1 बजे के बाद क्या माँ तो रात को 8 बजे आती है. बिल्कुल. है ना. एंड आप ये सोचिए दिल्ली जैसे शहर में कोई नानी दादी चाची कोई आपके साथ नहीं आया है, मोस्टली माइग्रेंट लेबर है, ये लोग गांव से अकेले आके रहते हैं एंड माँ 8 घंटे काम करती है और 2-2 घंटे उसे ट्रैवल करना पड़ता है. बिल्कुल. तो 12 घंटे के लिए उस औरत के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है. उसका बच्चा आज के डेट में ना पढ़ाई में अच्छा हो रहा है, बच्चा क्राइम में फंस रहा है, बच्चे के ऊपर क्राइम हो रहा है जो अनडिटेक्टेड होता है और फिर बच्चा धीरे धीरे खुद क्रिमिनल बन रहा है. प्लस ये सारी चाइल्ड लेबर का इशू, चाइल्ड यू नो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स कि गर्ल्स की जल्दी मैरिज कर देते हैं क्योंकि पढ़ाई तो वो कर नहीं रही है. बिल्कुल. अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ.
आपका और मेरा बच्चा जाएगा प्ले स्कूल में बिफोर गोइंग टू अ रेगुलर स्कूल, ये बच्चा तो नहीं जाता. तो जब ये बच्चा EWS के कोटे में भी एडमिशन लेके एक रेगुलर स्कूल में भी पढ़ पाता है, वो उस अपॉर्चुनिटी का यूज़ नहीं कर पा रहा. बिल्कुल. क्योंकि बाकी जो 75% बच्चा उस क्लास में, वो बच्चा कहीं से कुछ सीख के आया है, ये बच्चा तो कुछ नहीं सीख के आया. ये बच्चे का गैप उसी दिन चालू हो जाता है और फिर ये बढ़ता जाता है. एंड आगे जाके ये बच्चा ये बोलेगा कि स्कूल बेकार, टीचर्स बेकार, पढ़ाई बेकार चीज़ होती है, उसको सेव करना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए. प्लस वो अपने आसपास के बच्चों को देखेगा कि ये बेटर अमीर यू नो रिचर फैमिलीज के बच्चे और ये पढ़ाई में भी अच्छे हैं, तो उन बच्चों के लिए उसकी पॉजिटिविटी तो नहीं आएगी. बिल्कुल. तो दिस विल सॉल्व दैट इशू ऑल्सो, बिकॉज हम उस बच्चे को, तो मेरे इस क्रेश में 12 घंटे में हम उस बच्चे को खाना पीना, उसका मेडिकल इंटरवेंशन, सारे टीके, उसकी आयरन, विटामिन, न्यूट्रिशन भी सब दे रहे हैं, पढ़ाई करा रहे हैं, एंड वी आर कीपिंग द चाइल्ड सेफ. प्लस द रीजन टू हैव इट इन स्कूल इज, स्कूल में बिजली, पानी, प्लेग्राउंड और एक बाउंड्री वॉल ऑलरेडी है, सबको पता है स्कूल का. सीसीटीवी कैमरास आर ऑल प्लेस देयर. नहीं, इट्स नॉट अबाउट सीसीटीवी कैमरास. आई पर्सनली थिंक कि स्कूल के क्लासरूम्स में सीसीटीवी कैमरास इज क्वाइट क्वेश्चनेबल. बट आप ये देखिए कि बच्चे का प्लेसमेंट जो है वह, अगर दो बच्चे हैं तो एक बच्चा क्लास में जाएगा, एक बच्चा क्रेश में जाएगा. तो माँ के लिए इजी हो गया ना दोनों बच्चों को सेम जगह छोड़ के जाना. बिल्कुल. प्लस वो बार बार एक को पिकअप करने, एक को छोड़ने ऐसे तो नहीं करना पड़ेगा उसे. प्लस क्रेश के कमरे से क्लासरूम में शिफ्ट करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. मेरा स्कूल ड्रॉप आउट जो होता था बच्चों का, वो भी खत्म हो जाएगा. तो आपने अभी जो ये रिसेंटली कब इसको इम्प्लीमेंट किया? हम लोगों ने इसे अक्टूबर से चालू किए हैं. काफी फर्क दिख रहा होगा वैसे. एब्सोल्युटली, वी हैव सच स्टोरीज कमिंग आउट. मैं ऑफिशियली तो नहीं बता सकती, बट बात करेंगे इसके बारे में भी. हम लोग कभी स्टोरीज हमें पता चली है कि माओ अपने बच्चों के साथ, नॉट टेकिंग एनी नेम्स, मेरा मदर्स जिन्होंने अपने बच्चों को अफीम सुंघा के घर में लॉक करके जाती थी कि मेरे पीछे से बच्चा चुप घर में पड़ा रहेगा एंड रात को मैं आऊँगी और खाना खिलाऊंगी और फिर सुला दूंगी. अफीम सुंघाने का पर्पज़ ये है कि वो चुप रहेगा और घर में लॉक रहेगा और भूखा नहीं होगा और किसी को पता नहीं चलेगा घर में बच्चा है, तो बच्चे को कोई चुरा नहीं लेगा, बच्चे के ऊपर कोई क्राइम नहीं होगा. देर आर इवन स्टोरीज कि माँ बिस्तरे से बांध के रस्सी से बच्चे को जा रही है काम पे, रोटी और पानी छोड़ के, ओहो, कि पीछे से बच्चे, बच्चा जो है यू नो कहीं जाए ना. बिल्कुल सेफ रहे मेरा बच्चा. सो तो ये सक्सेसफुल एक आपने इंप्लीमेंटेशन किया जो एक सक्सेसफुल तरीके से निकल के आ रहा है. एंड दिस इज नॉट समथिंग दैट जो मैं बहुत पहले से कोई सोच रही थी या यू नो मेरा प्लान था. मैंने आज SDM बहुत सैड सिचुएशन है, बट मैंने आज 340 चाइल्ड एंड बॉन्डेड लेबरर्स का रेस्क्यू किया था. या दे यू वर वेरी मच इन न्यूज़ इन दैट टाइम. या तो उस चक्कर, मतलब दिस वाज ओवर द ईयर, पूरे साल हमने बहुत रेस्क्यूज किए एंड दिस वाज वन ऑफ द थिंग्स दैट आई वाज फाइंडिंग कि बच्चा क्यों पढ़ाई नहीं कर रहा है, क्यों स्कूल नहीं जा रहा है, क्यों उसको ऐसा बनना पड़ रहा है. प्लस मैंने खुद 6-6 साल के बच्चों को कुछ कुछ सूंघते हुए कहीं कहीं पे देखा. बिल्कुल. एंड दीज आर प्रॉब्लम्स दैट आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड, दीज आर प्रॉब्लम्स जिन पे कोई सलूशन हम काम ही नहीं कर रहे हैं. सो दैट इज हाउ आई केम अप विद दिस. अच्छा, इन दिल्ली देयर इज वन मोर थिंग दैट यू नो यू टॉक अबाउट द बेगिंग थिंग. ये जो बच्चे रेड लाइट्स पे और इस पे मांगते हैं एंड यू सी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे ग्रो, दे वैनिशेस. दिस वाज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, आई हैव सीन इट. एक्चुअली दे डोंट वैनिश. उनकी 13-14 साल में शादी होके उनके भी बच्चे आ जाते हैं. और मे बी दे आर जस्ट गेट इनटू अदर बिजनेसेस. एक्चुअली बेगिंग इज अ वेरी डिफरेंट फॉर्मेट. बेगिंग में प्रॉब्लम क्या है कि वो बच्चा जैसे ही माँ प्रेग्नेंट होती है तभी से वो सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है. या फिर नहीं, ऐसा भी होता है जहाँ पे हम लोगों ने स्टोरीज करी थी, ये जाना था कि जब माँ काम पे जाती हैं, फादर काम पे जाते हैं, तो बच्चे के पास कुछ करने को नहीं होता स्कूल से आगे. सो दे गो बिकॉज दे सेज दैट ओके इट्स अ सोर्स ऑफ इनकम, वी ईट चॉकलेट, आइसक्रीम्स एंड ऑल. नहीं, आई डोंट नो अबाउट दिस, बट पर्सनली आई डू फील कि बच्चे के साथ अगर आपके पास बच्चे को कहीं सेफ रखने का नहीं है तो यू माइट यू स्टार्ट थिंकिंग कि मैं इसका फिर क्या यूज करूं. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. यू नो, सो आई एम गिविंग यू दैट सेफ अपॉर्चुनिटी टू कीप योर चाइल्ड सेफ. बिल्कुल. एंड व्हाट अबाउट द एस्पिरेंट्स? आपने तो इतना पढ़ाई किया है, आपने इतना सब कुछ स्ट्रगल देखा है, तो ये जो लोग हैं जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आप उनको गाइड करती रहती हैं, मैंने अक्सर देखा है आपको, तो अभी क्या बताना चाहेंगी लोगों को कि क्या करना चाहिए पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, कितना पढ़ाई करना चाहिए? नहीं, कितना पढ़ाई की तो कोई लिमिट नहीं होती है, डेफिनेशन नहीं होती है. बट सबसे बड़ी बात है सबकी सुनना बंद करो. कौन क्या बता रहा है, कौन क्या तुम्हें यू नो कह रहा है. मोस्टली लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि वो अपने आप को दूसरों से कंपेयर ही करते रहते हैं. बिल्कुल. आप ना हमेशा दूसरों के सुन के डरते रहते हो, दूसरों से कंपैरिजन करते रहते हो. आई थिंक दैट्स वेयर द प्रॉब्लम लाइज. आप अपने आप के बारे में सोचो, अड़ोसी पड़ोसी की सोचनी बंद करो. एंड इवन एज अ करियर अगर आप सिविल सर्विसेज चुन रहे हो तो इसलिए चुनो क्योंकि आप करना चाहते हो. एंड इसको एक बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं कि
मेरे को बस किसी को कुछ दिखाना है इसलिए मैं ये करूँगा। कई बार वो एटीट्यूड अच्छा भी होता है, बट कई बार आप शायद दिखाने के चक्कर में अपना टैलेंट वेस्ट कर रहे हो, आप गलत चीज़ दिखाने की प्रूफ कोशिश कर रहे हो। तो रीज़न अपने बहुत क्लियर रखो आप ये पढ़ाई क्यों कर रहे हो। बिल्कुल। एंड आप सर्विस में एक और चीज़, आप हमेशा वहीं तक सोचते हो कि मैं एग्ज़ाम दे दूँगा। आप नौकरी के मिलने के बाद क्या करोगे वो कोई नहीं सोचता। आप कभी भी किसी से बात करो तो वो हमेशा यही बोलते हैं कि मुझे एग्जाम में फर्स्ट आना है या मुझे एग्जाम देना है। आपको एग्जाम नहीं देना है, आपको ऑफिसर बनके कुछ अच्छा करना है, समाज के लिए कुछ अच्छा करना है। यस, आपका काम ये है कि ऑफिसर बनके कुछ अच्छा करो। तो थॉट प्रोसेस बहुत अलग होता है वो। सो मेरी एडवाइस एस्पिरेंट्स यही है, बी वेरी क्लियर ऑन योर मोटिव्स, क्योंकि मोटिवेशन पढ़ने की तभी आएगी जब आपको पता है आप कर क्यों रहे हो। अगर आप सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि किसी ने कह दिया कर लो, या आपको समझ नहीं आया और क्या करूँ, तो नहीं कर पाओगे। बहुत मुश्किल होगा तब अपने आप को यू नो उतना मोटिवेट कर पाना। प्लस इवन आप सर्विस में आ जाओगे फिर आप दुखी हो जाओगे कि अब मैं क्या करूँ, क्योंकि आप अगर बहुत क्लैरिटी से नहीं आ रहे हो तो अंदर आके आप दुखी होगे। हर चीज़ अच्छी या बुरी हो सकती है, फेम अच्छा बुरा हो सकता है, पैसा अच्छा बुरा हो सकता है, हर चीज़ अच्छी बुरी हो सकती है। तो इतनी मेहनत करके कोई चीज़ पाओगे तो उसे क्यों बुरा बनाओ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा इरा, एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगी, ऐसी कौन सी चीज़ है जो इरा को बहुत अच्छी लगती है, हॉबीज या फिर कुछ मूवीज या कोई म्यूजिक या क्या अच्छा लगता है? आई हैव सो मेनी हॉबीज जिसकी लिमिट नहीं है। आई लव रीडिंग, मेरे तो ऑलवेज मेरे पास, मैंने किंडल खरीदा हुआ है, सो ओके, एंड आई सब्सक्राइब टू किंडल अनलिमिटेड, तो अब तो बस पता नहीं कितनी मेरे पास किताबें होगी। सो आई रीड अ लॉट, आई ट्रैवल, आई लव ट्रैवलिंग। अभी कोरोना वायरस ने तो सारे प्लान्स ठप कर दिए सबके। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। हां, आई डू अ लॉट, आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ थिएटर, आई डांस, आई बेसिकली डू एवरीथिंग। ओके, मैं You are all rounder, yeah, and you are very cheerful person, and you are very family oriented person, yeah, also. So अभी जैसे आप parents की प्रतिक्रिया क्या रहती है, जैसे वो आपने success कर ली, मुकाम हासिल कर लिया, एक pride है? नहीं नहीं भाई, parents से तो उतनी डांट पड़ती है उन्हीं चीज़ों पे। अच्छा। Because I stay at home, so कुछ नहीं बदला है घर में, मेरे कुछ नहीं बदला है, my whole family treats me exactly the same. Okay. तो nothing has changed at all in my world, in my house. Okay okay. तो जब office से बाहर निकलती हूँ मेरी दुनिया बिल्कुल वैसी है। और एक समाज को एक लास्ट मैसेज क्या आयरा सिंगल देना चाहेंगी? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी सब लोगों से कि दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोचती है इसका डिसीजन तुम्हारे हाथ पे है। तुम अपने बारे में पॉजिटिव सोचोगे तो दुनिया पॉजिटिव सोचेगी, तुम अपने बारे में नेगेटिव देखोगे, नेगेटिव सोचोगे तो दुनिया भी वो सोचेगी। हमने शुरू में बुलिंग की बात करी थी, बुलिंग तब हो सकती है जब आप उसको बुरा मानो, जब आप उसे गलत समझो, आप उस पर दुखी हो, तब आपको कोई दुखी कर सकता है। तो अगर आप सोचोगे कि आप में कमी है, आप ख़राब हो, आप कुछ करने लायक नहीं हो, तभी आप ऐसे होगे। जिस दिन आपने सोच लिया कि आप कुछ कर सकते हो, जिस दिन आपने मान लिया आप टैलेंटेड हो, आप हो जाओगे। तो स्टॉप वरिंग कौन क्या सोच रहा है, सब किसी के बारे में, किसी के पास टाइम नहीं है किसी और के लिए सोचने के लिए, और सब सबके बारे में कुछ भी सोच रहे हैं। आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, तो सिर्फ आप अपने एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हो, अपनी सोच को कंट्रोल कर सकते हो, उस पर ध्यान दो। गुड लक, थैंक यू सो मच इरा, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, गिविंग टाइम टू वॉक द टॉक इंडिया। तो ये थी हमारे साथ एनर्जेटिक लाइवली इरा सिंगल, IAS इरा सिंगल, जिन्होंने जिंदगी में हार तो मानी नहीं, बुली कभी हुई नहीं, क्योंकि वो अपने सोच से बहुत मजबूत थी, उनके इरादे इतने ऊपर थे कि उन्हें कोई रोक नहीं सका। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए, आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और दुनिया को बताइए कि कमज़ोरी दिमाग से होती है, शारीरिक नहीं। मैं समृद्धि भटनागर आपसे साइन ऑफ लेती हूँ, नमस्कार।